हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम शिवा है और ई पाठशाला चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम कक्षा 9वीं यानी कि क्लास 9th की मैथ्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5th में पहुंच चुके हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 5th है आप लोगों का फैक्टराइज, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आइए देखते हैं हम लोग इनका सॉल्यूशन कैसा है। आपको यहाँ पे जितने भी फैक्टराइज दिए हुए हैं ये सारे आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री अगर आप देख रहे हो हर किसी का तो यहाँ पर आप 3 देख सकते हो। हाईएस्ट डिग्री जो है यानी कि हाईएस्ट पावर वो आपको 3 दिख रही होगी, तो जिसकी भी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 3 होती है इसका मतलब वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके फैक्टर भी 3 निकलेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पिछला क्वेश्चन कराया था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है तो इसलिए उसके 2 फैक्टर निकलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, 4 नंबर या 3 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएगा, आपके मिड टर्म में भी और फाइनल में भी। सो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं फर्स्ट क्वेश्चन कवर करूंगा, इसका फर्स्ट पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x² + x + 2, इसका हमने फैक्टराइज करना है बच्चों। सो आइए कैसे करेंगे हम फैक्टराइज। सबसे पहले हमें एक ऐसा वैल्यू लेना है जहां पर जिस वैल्यू को मैं यहां पे x की जगह पुट करूं और ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा इक्वल टू 0 आ जाए। सो स्टार्टिंग हम करेंगे 1 से, तो पहले मैं 1 पुट करके देखता हूं। तो मैं यहां पे x की जगह लेट कर रहा हूं कि मैं 1 पुट करूं, तो मुझे रिजल्ट देखो क्या मिलेगा। 1 का क्यूब 1 होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 2 आएगा, प्लस 1 एंड प्लस 2। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 1 माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस 2। यहाँ पर प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस 1 जो कि इक्वल होता है 2। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 0 नहीं आया, वो 2 आया है। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से चेक कर लेता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको x माइनस में दिया है, एक गलती हो गई, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को प्लस में ले लिया है। तो एक बार मैं इसको फिर से ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा जो x है वो माइनस में है, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो माइनस में है, तो माइनस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2। और यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कि प्लस 2 माइनस 2 कट गया और माइनस 1 प्लस 1 भी कट गया, अब हमारा रिजल्ट इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। सो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास x इक्वल टू 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। तो 1 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये इस तरीके का इक्वेशन मिलेगा। तो ये है आप लोगों का बच्चों पहला फैक्टर, यानी कि x माइनस 1 इस पर्टिकुलर क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपका पहला फैक्टर है। अब हमें बाकी के फैक्टर्स भी निकालने हैं, तो बाकी के फैक्टर निकालने के लिए आप इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को इस वाले x माइनस 1 से कर दोगे डिवाइड। सो आइए देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम लोग। हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2, डिवाइड करना है हमने x माइनस 1 से। सो आइए किस तरीके से डिवाइड करते हैं हम लोग। हमें बच्चों क्या बनाना है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x 1 है हमारा, यहाँ पे x क्यूब है, तो मुझे इस x को x क्यूब बनाना है। तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस x को जिससे कि x क्यूब बने, सो मैं मल्टीप्लाई करूँगा x स्क्वायर से। तो x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिलेगा x का क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिलेगा माइनस 1 एक्स का स्क्वायर। इसको कंप्लीट करते हैं। जब डिवाइड में हम लोग बच्चों माइनस करते हैं इन सबको, तो यहाँ पे जैसे मैं माइनस करूँगा तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स क्यूब आप लोगों का कट गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो कट गया। यहाँ पे हम देखेंगे तो 2x स्क्वायर के साथ माइनस साइन है, 1x के साथ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा आप लोगों का। फिर हम देखेंगे किस नंबर की कौन सा नंबर बड़ा है उसी का साइन लगेगा, तो 2x का स्क्वायर बड़ा है उसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, बाकी नंबर हम बच्चों एज इट इज उतार लेंगे। अब वापस से हमें क्या देखना है कि मुझे इस x को क्या बनाना है, माइनस 1 x का स्क्वायर। तो x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे माइनस 1 x का स्क्वायर मिले। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर कैसे फाइंड करेंगे। मान लो मुझे माइनस 1 x का स्क्वायर चाहिए और मुझे किसको किससे चाहिए, मुझे x से चाहिए, यानी कि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे माइनस 1 एक्स का स्क्वायर मिले। तो कैसे होगा, एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस 1 x,
तो इसका मतलब नंबर मिल गया हमें, यानी कि माइनस वन एक्स से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस वन एक्स का स्क्वायर। तो माइनस वन एक्स को एक्स से करूंगा माइनस वन एक्स का स्क्वायर, माइनस वन एक्स को माइनस वन से करूंगा माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस वन एक्स। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, वापस दोबारा से मैं माइनस करूंगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है तो वन एक्स मिलके ये बन जाएगा माइनस टू एक्स, और यहाँ से उतार लूंगा मैं प्लस टू। अब मुझे स्टूडेंट x को क्या बनाना है, माइनस टू एक्स। तो माइनस टू एक्स बनाने के लिए मुझे x को किससे मल्टीप्लाई करना है, फिर से पता लगाएंगे। तो इसको मैं लिख दूंगा ऊपर, इसको मैं लिख दूंगा डिवाइड में नीचे, x से x कट गया, बचा क्या माइनस टू, यानी कि मुझे माइनस टू से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, जिससे कि मुझे ये मिल जाएगा। तो माइनस टू को x से करूंगा माइनस टू एक्स, माइनस टू को माइनस वन से करूंगा प्लस टू। अब हम इनको माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा इनका, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, बचा जीरो। अब हमारे पास आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे एक सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस टू। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें बाकी के दो फैक्टर मिल जाएंगे। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पिछले क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाइए उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, ताकि आप लोग बहुत ईजी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करके यहाँ से दो फैक्टर निकाल सकते हो। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट मैथड। तो देखते हैं कैसे, पहले रफ कॉलम बता देता हूँ मैं। मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट, सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देखते हैं हम लोग। अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूँ तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि मैं ए को सी से पहले मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे ए कितना है मान लूंगा मैं वन है, और सी कितना है टू है, तो वन को टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा टू। यानी कि स्टूडेंट मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे को टू मिले, और उन्हीं दोनों नंबर को, यहाँ पे सिंबल आप देख रहे हो माइनस का है, उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे टू मिले, और उन्हीं दोनों नंबर को माइनस करने पे मुझे ये मिडल वाला नंबर मिले। तो वो नंबर क्या है बच्चों, टू और वन। टू और वन को मल्टीप्लाई करोगे टू मिलेगा, और टू और वन को माइनस करोगे तो भी मुझे वन ही मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में आप साइन माइनस का देख रहे हो, तो बड़े के साथ, यानी कि बड़े नंबर के साथ, बड़ा नंबर टू है, टू के साथ माइनस में रहेगा और वन के साथ प्लस में रहेगा। तो इस माइनस वन एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, अब माइनस टू एक्स प्लस प्लस वन एक्स। तो चलिए पहला नंबर एज इट इज उतारेंगे, माइनस वन एक्स की जगह आ जाएगा माइनस टू एक्स और प्लस वन एक्स, और फिर लास्ट में क्या है माइनस टू। आइए यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर निकालना है इनके बीच में, इसके बीच में एक्स कॉमन है तो बच जाएगा एक्स माइनस टू, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है तो वन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स माइनस टू। ये जो बाहर नंबर वैल्यू आई है इनको एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और जो अंदर जो कॉमन दिख रहा है आप लोगों को दोनों, ये एक ब्रैकेट में रख लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें दो फैक्टर मिल गए, यहाँ से हमें एक फैक्टर मिल गया, तो उसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो है x माइनस वन एक फैक्टर मिल गया, x प्लस वन एक फैक्टर मिल गया, और x माइनस टू एक फैक्टर मिल गया। तो ये तीनों हमारे आंसर है, यानी कि अगर यहाँ से आप x की वैल्यू बनाते हो, यहाँ से x की वैल्यू आपकी बनेगी प्लस वन, यहाँ से x की वैल्यू बनेगी आपकी माइनस वन, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी आपकी टू, और इन वैल्यू को अगर आप एक एक करके यहाँ पुट करते हो तो हर केस में आप ये देखोगे कि ये जो पॉलीनोमियल है ये इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। सो अगर स्टूडेंट आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया हो, और जिस स्टूडेंट ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपको वो वीडियो मिल सके। सो मेरा नाम शिवा है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, सी यू सून।